मैथ का परसेंटेज आप लोगों को बता दें, इस परसेंटेज चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। इसलिए समय दीजिए क्योंकि देखिए परसेंटेज यानी किसी भी नंबर की तुलना किस में होती है, 100 में होती है। और आप लोगों को ये पता है कि देखो परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, औसत, यानी बहुत सारे तमाम चैप्टर हैं। और सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है परसेंटेज डीआई में, याद है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन में आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है परसेंटेज। और आपको बता दें इतना परसेंटेज आने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, याद है ना, कि जब तीन लोगों की तुलना होती है कि ए का वेतन बी से इतना परसेंट अधिक है और बी का वेतन सी से इतना परसेंट अधिक है, तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको 100 माना जाए, किसको कम माना जाए, किसको 100 ना माना जाए, है ना। इसीलिए आपको बता दें जब हमारा 15 तारीख से बैच चलेगा, 15 फरवरी से जो नया बैच चलेगा, उसमें भी जो हम परसेंटेज पढ़ाएंगे सेकंड बैच में, पहले बैच में नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और दूसरे बैच में परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, तो भी उसको हम कम से कम महीना भर खींचेंगे। इसलिए महीना भर खींचेंगे कि आप लोगों को परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस आने चाहिए। परसेंटेज एक बार आपको अच्छे से आ गया तो आगे के जो चैप्टर हैं आपको ऐसा लगेगा कि रिवीजन चल रहा है ना। जैसे हमारा एक कंसेप्ट होता है परसेंटेज का, परसेंटेज अगर बढ़ता है तो 100 से प्लस कर दो और परसेंटेज अगर घटता है तो 100 से माइनस कर दो। अब ये कंसेप्ट आपका देखो कितने सारे चैप्टर लेके जाता है ना। अच्छा का भी कंसेप्ट होता है, जिस संख्या के साथ का लगा हो वो संख्या कहाँ होती है, नीचे। और आपने ये देखा होगा जिस संख्या के साथ का लगा रहता है वो संख्या नीचे रहती है, जिस संख्या के साथ का नहीं लगा है वो संख्या ऊपर, ये कंसेप्ट हुआ। फिर आपने ये भी देखा होगा कि जब ये पूछता है कि ए से कितना अधिक या ए से कितना कम, जब से लगाता है तो जिसके साथ से लगा होता है वो संख्या कहां रहती है, नीचे। और जब से लगा रहता है तो ऊपर क्या रहता है, अंतर, और गुणे क्या, 100। तो ये कंसेप्ट हमें क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर है। कल हमने देखा था, कल हमने एक चार्ट भी बनाया था कि 1/2 का मतलब क्या है, 50%, 1/3 का मतलब क्या है, 33 सही 1/3%, 1/4 का मतलब क्या है, 25%, वो कल आपने चार्ट बनाया, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमने कल स्टार्ट किया था कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना, आज हम करेंगे प्रतिशत से भिन्न में बदलना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। तो मेरा सभी आप लोगों से टॉपिक ये अनुरोध है कि डाल दीजिए, हमारे पास एक प्रतिशत वाली संख्या होगी और उसको किस में बदलना है, भिन्न में। देखिए प्रतिशत का मतलब उसमें चिन्ह लगा होगा ये वाला, और भिन्न का मतलब वह किस आकार में आ जाएगी, P/Q के आकार में। आज जो हमारा टॉपिक है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी हमारे पास एक ऐसी संख्या रहेगी, हमारे पास एक ऐसी संख्या रहेगी जो प्रतिशत में होगी और उसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, क्लियर है। अब ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो ऑलरेडी प्रतिशत में होती हैं और उसे हमें भिन्न में बदलना है। तो फिर से एक बार कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, जो संख्या प्रतिशत में होगी उसमें यह चिन्ह लगा होगा, है ना, और इसको बदलना है किस में, भिन्न में। भिन्न का मतलब क्या होता है, P/Q, यानी एक संख्या ऊपर होगी एक संख्या नीचे, यानी हम क्या बोल सकते हैं, अंश बटे हर। तो अभी कोई भी छात्र करेगा नहीं, सिर्फ पहले देखेगा, ठीक है, देखेगा कैसे करना है, और काटना भी आप सीखेंगे कि कैसे संख्या को काटा जाता है। तो जरा देखिएगा सबसे पहला क्या है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है 52%, कोई करेगा नहीं अभी, सिर्फ समझिए पहले कि कैसे करना है, ठीक है, एक बार समझ लेंगे बहुत अच्छे से करेंगे आप। 52% है, पहला क्वेश्चन है 52%, और 52% को हमें किस में बदलना है, भिन्न में, यानी 52% को हमें P/Q के आकार में बदलना है। तो जरा देखिए 52% है, अब ये जो 52% है, नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के साथ अगर परसेंटेज चिन्ह लगा है तो परसेंटेज को अगर हटाओगे तो नीचे यानी उसी संख्या के बटे में क्या लग जाएगा, 100। ध्यान देना यही नियम आपको आगे बढ़ाएगा और कई सारे एग्जाम में काम आएगा। जिस संख्या के साथ परसेंटेज लगा होता है, नियम ये कहता है कि ये साइन अगर हट जाएगा तो बटे में कितना लग जाएगा, 100। तो देखो हम इस साइन को हटा देते हैं, परसेंटेज चिन्ह हम हटा देते हैं, तो बटे में कितना आ जाएगा, 100। यानी कहीं ना कहीं 52% का मतलब क्या होता है, 52/100। कहीं ना कहीं 52% का मतलब क्या है, 52/100। यानी ये दोनों चीज क्या है, एक ही है ना। 52% परसेंट का मैंने क्या बताया था, तुलना, है ना, कि उस नंबर की तुलना हो चुकी है,
उस नंबर की तुलना हो चुकी है। अब उस नंबर की तुलना किससे हो चुकी है? 100 से। अब देखिए 52% परसेंटेज हटाया तो बटे में कितना आया? 100। इसका मतलब 52 नंबर की तुलना किससे हो गई है? 100 से। अब जब आपने परसेंटेज हटाया, परसेंटेज हटाने के बाद अगर वह संख्या कट रही है, तो उसको काट दीजिए, अगर नहीं कट रही है तो वैसे छोड़ दीजिए। अब यहां पर आपको दिमाग लगाने वाली बात यह है कि जिस संख्या में 0, 2, 4, 6 और 8 अंत में आता है वह संख्या किससे कट जाती है? 2 से कट जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको एकदम ऐसे लेके चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है और मुझे आप लोगों को मैथ समझाना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप लोगों को ये बोरिंग लग रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखिए 52% परसेंटेज हमने हटाया तो बटे में कितना आ गया? 100। अब 52/100 है। यहां पर नियम यह लगाना है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 आता है वही किससे कट जाता है? 2 से कट जाता है। अगर बहुत बड़ी संख्या हो, आपको काटना ना आ रहा हो, तो यह देखिए कि उसके अंत में क्या है। देखिए यहां अंत में 2 है, यहां अंत में 0 है, इसका मतलब ये दोनों संख्या किससे कट जाएंगी? 2 से। अच्छा, काटने का नियम यह कहता है, कि जिस संख्या से ऊपर वाली संख्या को काटोगे उसी संख्या से नीचे वाली संख्या को भी काटोगे। ठीक है, जैसे अब 2 है लास्ट में, यहां 0 है, काट सकते हैं 2 से। तो चलिए अब देखिए काटते हैं, ये 5 है, 2 से काटना है, यानी 2 का पहाड़ा इतनी बार की 4 से 5 से ज्यादा ना जाए। तो देखो 2 दुनाई 4, क्योंकि 2 3 6 होता है, 2 दुनाई 4। अब 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1, और वो 1 जुड़ेगा 2 के साथ तो बना देगा 12, और कितना होगा? 2 6 12। तो कितनी बार में कटा ऊपर वाली संख्या? 26। तो नीचे वाले को भी काटेंगे, नीचे वाले देखो 2 5 10 और 1 ये 0, तो कितना आया? 26/50। अगर चाहो तो आप और देखिए इसमें कि क्या ये और कट सकता है, अगर और कट सकता है तो आगे और काटिए। देखिए अंत में कितना है? 6। अंत में कितना है? 0। इसका मतलब 2 से और कटेगा, तो देखो 2 1 2 और 2 3 6, ऊपर वाली संख्या कितनी बार में कटी? 13। नीचे वाली संख्या 2 2 9 4, 1 उधर जाएगा 10 बना देगा, 2 5 10, तो 13/ कितना आ गया? 25। यानी 52% का भिन्न रूप क्या है? 13/25। आया समझ में? क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई भी संख्या अगर परसेंटेज में है तो उसको भिन्न में कैसे बदलना है? ठीक है, ये चीज हुआ। आगे देखिए मान लीजिए कि हमारे पास संख्या है 74%। अब इसको हमें भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो 74% को अगर हमने भिन्न में बदला तो परसेंटेज हटाएंगे तो 74/ कितना आ जाएगा? 100। फिर हमारा दिमाग आया कि भाई अंत में कितना है? 4, और अंत में है 0, इसका मतलब किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो देखो 2 3 6, अब 7 में 6 गया, 1 उधर जुड़ जाएगा बना देगा 14। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार कि 14 से ज्यादा ना जाए, 2 7 14, यानी कितना आया? 37। अब नीचे वाली संख्या को भी 2 से काटेंगे, 100 है, लेकिन पहले 2 डिजिट, 2 5 10 और 1 0, यानी कितना आ गया? यानी 37/ कितना आ गया? 50 आ गया। 37/ कितना आ गया? 50 आ गया। यानी 74% का भिन्न रूप क्या है? 37/50। अभी भी आपको नहीं करना है, समझना है पहले। ठीक है, इसके बाद देखिए संख्याएं हमारे पास कोई भी हो सकती हैं। मान लीजिए हमारे पास है 124%। ठीक है, अब 124% है, ये 3 डिजिट वाली संख्या हो गई, 124% है, तो फिर वही नियम कहता है कि अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100। अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100। अब जरा इसमें ये देखिए कि अंत में 4 है, अंत में 0 है। अगर आपको ऐसा लगे कि ऊपर वाली संख्या 4 से डायरेक्टली कट सकती है तो काट दो, अगर आपको ऐसा लगे। है ना, पता है क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि नीचे देखो कितना है? 100। नीचे कितना है? 100। आप जरा बताइए 25 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा? और अगर 4 का पहाड़ा 25 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा? इसका मतलब 4 के पहाड़े में 25 बार में क्या आता है? 100। अब 25 के पहाड़े में 4 बार में क्या आता है? 100। 25 चौक 100, या 4 × 25 100, यानी ये 100 4 से कर सकता है, 25 से कर सकता है। ठीक है, अगर आपको दिमाग में उस समय नहीं आ रहा है तो 2 से काट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये 124/100 है और मुझे 4 से काटना है तो मैं काट सकता हूं 4 से। देखिए 4 3 12 और 4 1 4, अब नीचे क्या है? 100। 100 4 से कटेगा क्या? 100 4 से कटेगा कितनी बार में? 25 बार में। तो 4 से डायरेक्टली काटो कितना? 25, तो कितना आ गया? 31/25, यानी 124% का भिन्न रूप क्या है? 31/25।
25, आए समझ में? अच्छा मान लो अगर आपको उस समय दिमाग नहीं आ रहा है कि यार चार से कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना, तो जरा देखिए आप इसको दो से काटिए, दो छंग 12, दो दुनाई 4, अच्छा इसको दो से काटिए, दो पंचे 10 और एक जीरो, कितना आ गया 62 बटे कितना आ गया 50 आ गया। अभी आपने देखा कि अंत में दो है, अंत में जीरो है, है ना, और कटेगा ये तो दो तिहाई 6, दो एकम 2, इस नीचे वाली काटो, दो दुनाई 4, 5 में से 4 गया कितना बचा 1, एक उधर जुड़ेगा 10 बना देगा, तो दो पंचे 10 कितना आ गया 31 बटे 25। वैसे एक चीज बता दूं आपको, अगर आप लगातार मैथ पढ़ेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे तो ये कैलकुलेशन अपने आप माइंड में बैठ जाता है कि किस संख्या को किससे काटना है, क्योंकि संख्या आपको ऐसी दिखने लगती है और आपके माइंड में तुरंत पहाड़े आ जाते हैं। पर बात यह कि पहाड़े आने चाहिए, ऐसे कितने छात्र जिनको पहाड़े नहीं आते, हाँ 11:15 का मतलब 20 तक पहाड़े आप लोगों को आने चाहिए, 20 तक आप लोगों को पहाड़े आने चाहिए, इसलिए क्योंकि 20 तक के पहाड़ों की जो संख्या होती है उसी का ही कैलकुलेशन ज्यादातर आता है और वो पहाड़े आपके माइंड में तुरंत आ जाते हैं, है ना। अभी देखिए, अभी भी कोई नहीं करेगा, एक और समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास चौथा है, मान लीजिए 175% है, ऐसे मान लीजिए 175% है और इसको हमें भिन्न में बदलना है, 175% है इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो देखो 175 का हमने परसेंटेज अगर हटाया तो कितना आ जाएगा 175 बटे कितना 100, ठीक है। अब देखो 175 बटे 100 है, जिस संख्या के अंत में 5 या 0 होता है वह संख्या किससे कट जाती है, 5 से कट जाती है, किससे 5 से कट जाती है, इस संख्या के अंत में 5 भी है नीचे 0 भी है, तो हमने दिमाग लगा लिया कि ये किससे कट जाएगा 5 से, ठीक है, आए समझ में। जिस संख्या के अंत में 6, 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह संख्या 2 से कटेगी और जिस संख्या के अंत में 5 या 0 होता है वह किससे कटेगी 5 से कटेगी, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? अब हमने देखा कि भाई यहां पर 5 है, यहां पर 0 है, 5 से कट जाएगा तो 5 से काटो। अब 5 से दोनों संख्या को काटना है, देखिए पहली संख्या 1 है 5 से नहीं कटेगा, तो आप दो संख्या लेंगे तो कितना बन जाएगा 17। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार कि 17 से ज्यादा ना जाए, तो देखो 5 से 15, 17 में से 15 गए 2, और 2 उधर जुड़ेगा बना देगा 25, 5 पंजा 25, है ना। अब नीचे वाली संख्या काटो, 5 दुनाई 10 और ये कितना 0, 35 बटे में कितना आ गया 20, अभी कटेगा 5 से, अंत में देखो 5 है अंत में 0 है, 5 सते 35, 5 चौक 20, यानी इसका 175% का कितना आया। अब यहां पर अगर आपको 25 का पहाड़ा आता होगा तो डायरेक्टली 25 से काट सकते हो, 25 सत्ते 175, 25 चौक 100, 7 बटे 4, है ना, ये चीज है, आया समझ में, क्लियर है। अब मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए इस पूरे बोर्ड में क्वेश्चंस लिखूंगा जिसको आप फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। चलिए इसमें मैं क्वेश्चन लिखूंगा और जल्दी जल्दी फटाफट करो क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 32%, दूसरा क्वेश्चन है 64% और तीसरा है 138%, चौथा है आपका 155%, पांचवा है आपका 185%। निकालिए इसको भिन्न में फटाफट, ठीक है। आप लोगों को ये आता है, आप लोग ये कर लोगे, आप लोगों को आता है, मैं बस आपका कैलकुलेशन तेज कराना चाहता हूं, ठीक है। जल्दी जल्दी करो, इसका आंसर बताओ। इतने छोटे छोटे सवाल आपको आते हैं और ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपका कैलकुलेशन बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए ये प्रश्न मैंने आपको दिया है। पहला है 32%, 64%, 138%, 155%, 185%, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको भिन्न में चेंज कीजिए, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ठीक है। पहाड़े पढ़िए, सब आपको आ जाएगा, इतने कमजोर नहीं है आप। और फिर जब कमजोर आपको लगे ना कि यार कमजोर है मैथ में, तो दिमाग लगा लीजिएगा कि हम ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं कि हम तपती धूप में अपनी फसल काट सकते हैं, तो हम मैथ क्यों नहीं पढ़ सकते, है ना। कौन सी सीजन में फसल काटना होता है, चैत्र,
बोलते ना चैत बैसाख। चलिए 32% है, 64% है, 138% है और 155% है, 185% है। इसको हमें भिन्न में बदलना है तो फटाफट कीजिए, ठीक है, भिन्न में बदलना है तो चलो पहले 34% को कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं पहले 32%। अच्छा ये बताइए 32% का कितना आ जाएगा, 32 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। अच्छा एक चीज और को बता दें, क्योंकि नीचे 100 होता है, अगर कोई संख्या डायरेक्टली 4 से कट सकती है तो काट दो उसे, जरूरी नहीं कि 2 से काटना, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो 2 से काटो, ठीक है। चलिए अंत में 2 है, अंत में 0, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, 1 उधर जाएगा तो बना देगा 12, 2 छंग 12 और 2 कितना 50, 16 बटे 50 आया, अभी और कटेगा 2 अट्ठे 16 और 2 कितनी बार में 25, यानी 8 बटे कितना आ गया 25, 8 बटे 25 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64% देखो, 64% 64% का मतलब क्या होता है, 64/100, ठीक है। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 दुनाई 4 और 2 कितना 50, कितना आया 32/50 आ गया ना, अभी 2 से और कटेगा, 2 एकम 2 और 2 छंग 12 यानी कितना 16 और ये कितना 25, 16/25 आए समझ में। अब ये 138 है, 138 देखो, 138/100 है, अंत में 8 है, अंत में 0 यानी 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 1 उधर जाएगा 18 बना देगा, 2 नैया 18 और 2 कितना 50, कितना आया 69/50, क्या इतना आया, क्या इतना आया। अच्छा दूसरा देखो कितना है, 155%, 155% का मतलब है कि 155 बटे कितना आ जाएगा 100, अंत में 5 है, अंत में 0 है, किससे कटेगा 5 से, 5 नहीं 15, 5 एकम 5 और 5, 5 दुनाई 10 और एक 0 कितना आ गया 31/20, क्या यही आया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, 185 कर लेते हैं, 185 कर लेते हैं, 185% का मतलब 185/100 आ जाएगा, कौन सा नियम है भाई, कौन सा नियम है इसमें, 5 वाला ना, 5 नहीं 15 और उधर 5 सते 35 नीचे 20, 37/20 है ना। अब ये बताइए जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं तो ये चीज़ कितने बच्चों को समझ में आई, आ गया, अरे क्या बात है, क्या बात है ना, ये तो हमें आ ही जाएगा, इससे बड़ा दे तो हम कर लेंगे। अभी आप लोगों को आर्यभट्ट जैसी फीलिंग आ रही होगी, मैथ के विद्वान टाइप का फीलिंग आ रहा होगा ना कि यार ये अगर सवाल कर लिया तो हमसे बढ़कर कोई नहीं है, हम ही विद्वान है। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलो, हाँ तो वो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, बंद है वैसे वो अल्ट्रासाउंड वाला फोन किया था, ये वाला अल्ट्रासाउंड वाला, और वहीं पे नीचे हमारा बोर्ड लगा है, धक्का है तो उसको लगा ये अल्ट्रासाउंड का बोर्ड है तो बोल रहा है ये आपका हॉस्पिटल बंद है क्या। चलिए ये आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ना, देखिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं ना, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा संख्याओं को बढ़ाते हैं, 244%, ठीक है, दूसरा 364% और तीसरा है आपका 1504% और चौथा है आपका 2460%। करो इसको फटाफट, बड़ी संख्याओं का भी कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, बड़ी संख्याओं का भी कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, 244% है, 364% है और 1504% है, 2460% है, इसको भिन्न रूप में करो फटाफट, जल्दी से करो आंसर निकालो, अब आप लोगों को आता है बहुत अच्छे से, ठीक है आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, फटाफट कीजिए। जल्दी जल्दी पेन चलाओ, आप में से कोई भी छात्र मैथ में कमजोर नहीं है, सिर्फ आपने अपना मनगढ़ंत बना रखा है, ठीक है। क्या हाल चाल है मोहित, कह दो क्लास में फोन ना किया करे, तुम्हारे लिए ही पढ़ रहे हैं
ऐसा कह दिया करो। अच्छा हम तो भूल ही गए थे कि ये सप्ताह ही वैसे चल रहा है, है ना। कल रोज लेता भाई साहब, हमें लगा रोज लेके जाना चाहिए, हमें 5 रुपए का रोज मिला और देखा तो सुपारी थी, मीठी सुपारी रोज। चलिए 244% का 244 जब बटे में 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 244/100। अब इसको किससे काट सकते हैं, या तो डायरेक्टली 4 से काट दो या तो डायरेक्टली 100 से काट दो। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ आपको, जब भी आपको ऐसा लगे कि वो संख्या 4 से कट जाएगी तो डायरेक्टली 4 से काटिए। देखिए 4 × 24, 4 × 1 = 4 और 100 कितनी बार में कटेगा, 25, तो 61/ कितना आ गया, 25 आ गया ना, 61/25 आ गया। अब देखो अगला 364/100। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको लगे कि संख्या 4 से डायरेक्टली कट सकती है तो काट दो। देखिए 4 × 9 = 36, 4 × 1 = 4, 100 कितनी बार में कटेगा, 25, तो 91/ कितना आ गया, 25। अब देखो 1504 है ना, 1504 है तो 1504 है, 1504 और बटे में कितना आ जाएगा, 100। इसको भी डायरेक्टली 4 से काटो, डायरेक्टली 4 से काटो। देखिए 4 × 3 = 12, 15 में से 12 गया, 3 बचा, 3 जीरो के साथ जुड़ेगा 30 बना देगा, 4 × 7 = 28, 30 में से 28 गया, 2 4 के साथ जुड़ेगा 24 बना, 3 × 24, तो 376/ ये भी 4 से कटेगा कितना, 25, यानी 376/ कितना आ गया, 25 आ गया, है ना, 376/25 आ गया। अब लास्ट संख्या है हमारी, अबे आज्ञाकारी शेष, इसको उठाइए, 2460 है ना, इसको भिन्न में बदलना है, 2460/ परसेंटेज हटाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, अगर ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो है तो आपको जितने जीरो कट सकते हैं काटिए, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है मैंने जीरो काटने को बोला तो सर आप बोला क्या, अरे सर आपने जीरो काटने के लिए बोला, ये लो हम ऐसे काटेंगे, अब तुम ऐसे जीरो काट दो, काटने ही तो है, काट दो कैसे भी, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो देखो ऊपर जीरो और नीचे जीरो है लेकिन पेयर कटता है, यानी एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो कितना बचेगा, 246, अब बटे में कितना, 10। अभी किससे काट सकते हैं इसको, 2 से ना, क्योंकि अंत में 6 है, अंत में 0, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, ऊपर वाली संख्या 2 से कटी 123/ में, और 2 × 5 = 10, 123/5, समझे। चलिए ये कितने बच्चों को समझ में आया, बड़ी संख्या काटने वाला, हाँ मैं पुराने से, आप लोग पुराने आप लोगों से नहीं पूछूंगा मैं, ठीक है, मैं नए से पूछूंगा। शिवांगी आपको समझ में आया, हाँ आपको उधर, रागिनी, ये दोनों आप लोग, शिवम, शिवम नाम है ना, शिवम और राहुल, आपको समझ में आया, आप कहाँ से, रायपुरा से हैं, नहीं आप रायपुरा से नहीं है, है? ये कौन सा गाँव है, आज चित्रकूट से है, पावन धरती से, ठीक है, तो यही छात्र नए हैं। और हाँ अनुराधा आप समझ में आया, पक्के समझ में आ रहा है ना, ठीक है, अगर किसी छात्र को समझ में नहीं आता है तो वो बता देगा, हमें बहुत सारे तरीके आते हैं आपके दिमाग में ये मैथ कूटने का, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आप सब चीज़ पढ़ लोगे, पर मैं आपको बता दूँ, मैं भी भविष्य पढ़ता हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी बताता हूँ भविष्य कैसे देखता हूँ। आप लोग घर में पढ़ते होंगे अब मैथ पढ़ते होंगे, अब मैथ में जहां अटक गए वहीं आपकी किताब भी अटक जाती है, सही बात है ना। और किसी किसी के मन में तो ये आता है कि तुम मैथ हो, हम तुम्हें देखना पसंद नहीं करते, होता है कि नहीं होता ऐसे, तो मैं वहां से मैथ बोलता हूँ मेरे बिना तेरा चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि सीधे 1/4 क्या होता है, हम होते हैं वहां पे मैथ बैठे होते हैं, है ना। तो तुम अक्सर क्या होता है ना कि जब हम 9th में होते हैं, 10th में होते हैं, 10th के बाद जब 11वीं में हमें सब्जेक्ट लेने होते हैं ना, तो 10वीं तक तो हम मैथ किसी तरह खींचते हैं, पर 10वीं के बाद मैथ का त्याग कर देते हैं कि जा आज के बाद तुझे देखेंगे नहीं, पर 12वीं के बाद जब फिर तैयारी करने आते हैं तो मैथ बोलता हूँ, कहा था ना तुझे तेरा और मेरा जन्मों का साथ है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए ये तो ऐसी संख्या थी बॉयज एंड गर्ल्स, ये तो ऐसी संख्या थी जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको काट लिया और अपने भिन्न में कर दिया। कुछ संख्याएं सही बटे में होती हैं,
कुछ परसेंटेज सही बटे में होता है और उनको हमें चेंज करना होता है किसमें, भिन्न में। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक संख्या दी 5 सही 1/4%, ऐसे ध्यान से सुनना, अभी करना मत, देखना अभी। मान लीजिए मैंने एक संख्या दिया 5 सही 1/4%, अब 5 सही 1/4% को हमें भिन्न में बदलना है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये संख्या तो पहले से भिन्न में है, अब परसेंट जाएंगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए, जब भी संख्या मिश्रित भिन्न में दिया हो, इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न, या सही बटा 5 सही 1/4, 5 सही 1/4% है, तो पहले इस संख्या को शुद्ध रूप में लिखना होता है। शुद्ध रूप का मतलब बटे में लिखोगे, तो देखिए 5 सही 1/4 है ना, तो इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखोगे, 5 का गुणा होगा नीचे वाली संख्या से, तो 5 चौक 20 और ऊपर वाली संख्या प्लस होगी। जिनको जिनको सही बटे में लिखना नहीं आता है वो पहचानिए, जब भी कोई संख्या सही बटे में होती है तो ये जो 5 है वह 4 से गुणा होता है, 5 चौक 20 और ऊपर वाली संख्या वो हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। तो 5 चौक 20 और ऊपर आएगा कितना, 21, यानी 21 और बटे में 4, और परसेंटेज भी तो लगा था, परसेंटेज भी लगा था ना, परसेंटेज को अभी हमने कहां सॉल्व किया था, अभी तो सिर्फ हमने वो सही बटे को सॉल्व किया है। अब सही बटे को सॉल्व किया तो 21 बटे 4। एक चीज और, मैंने अक्सर ये देखा है कि बच्चे गलती करते हैं, 5 चौक 20 और प्लस 1 21, तो खाली 21 लिख के आ जाते हैं, ये भी गलत है। जो बटे में है वो बटे में रहेगा, यहां पे बटे में कितना है, 4, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बटे में 4 रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, क्लियर है। देखिए 5 सही 1/4, 5 चौक 20 और प्लस 1 21, 21 बटे 4 आ गया, लेकिन परसेंटेज को हमने सॉल्व नहीं किया था, परसेंटेज को हमने सॉल्व नहीं किया था। याद है आपको नियम, जब परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या क्या लगाते हैं, 100, 100 में कितने जीरो, 2 जीरो ना, तो डायरेक्टली चाहो तो आप नीचे गुणा में 100 कर सकते हो, या आपको पता है कि परसेंटेज अगर हम हटाएंगे तो नीचे 100 होता है, 100 में होते हैं 2 जीरो, तो 4 में 2 जीरो बढ़ा दो, 4 में क्या है 2 जीरो बढ़ा दो, अब देखो भिन्न हो गया ना, 21 बटे 400। अब अगर ये कट सकता है तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। अब हम समझेंगे कि 5 सही 1/4% का मतलब था 21 बटे कितना 400, ये आपका फाइनल आंसर है, क्लियर है। यहां तक कोई समझ में आया कि मिश्रित भिन्न को कैसे करना होता है, है ना। अब अगर मैं मिश्रित भिन्न दूंगा तो आप क्या कर लोगे, उसको कर लोगे पक्का, चलो फिर अगर आप कर लोगे तो ये करके दिखाओ, 5 सही 1/7%, 5 सही 1/7% को भिन्न में लिख के दिखाओ, भिन्न में लिख के दिखाओ, 5 सही 1/7% को भिन्न में लिख के दिखाओ फटाफट। आ गया, देखिए 5 सही 1/6 है ना, 5 सही 1/6, अब जरा आप देखिए 5 सते 35, अब 35 और ऊपर एक कितना आया, 36, यानी 36 बटे 7, और ये परसेंटेज है 36 बटे 7 और ये परसेंटेज है। तो आप जब इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, 100 का मतलब कितना जीरो होता है, 2 जीरो होता है, तो ये हमारा बन गया 36 बटे 700। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, जब तक कर सकता है तब तक काटेंगे, है ना। 2 एकम 2, एक उधर जाएगा, 2 अट्ठे 16, नीचे 2 तीया 6, एक उधर जाएगा, 2 पंचे 10 और जीरो कितना आ गया, 18 बटे 350। अच्छा अभी और कटेगा क्या, ये क्या भी और कटेगा, 2 से कटेगा, 2 नहीं 18, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 9 बटे 175। क्या ये अभी और कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दो, 9 बटे कितना हो गया, 175, क्लियर है। ये होता है मिश्र भिन्न जो होते हैं परसेंटेज में, जो मिश्र भिन्न होते हैं उनको भिन्न में लाने का तरीका, ठीक है। परसेंटेज को मत भूलना, परसेंटेज जब भी हटाओगे तो नीचे। अच्छा देखो एक चीज और देखना, कितना आया था 36 बटे कितना आया था, 7 आया था ना। अब परसेंटेज हटाया तो ये जरूरी नहीं है कि परसेंटेज को आप 7 के साथ 2 जीरो लगा दोगे, आप परसेंटेज हटाओ अलग से गुणा 100 कर लो, बात तो एक ही है ना, अलग से गुणा 100 कर लो, बात एक ही है। मैं अलग से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काटने में आसान हो जाता है, कैसे काटने में आसान होता है, देखो 4 नहीं है
अचार 25 अब 25 सत्ते 175 है ना, वो इसने इसलिए 175 बता दिया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नहीं तो हम जानते हैं ना हमारे छात्र का पहाड़ा कहाँ तक स्ट्रांग है। तो 9 कितना आ गया 175। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए। 16 सही 2/3% लिखिए, 16 सही 2/3% काटिए इसको फटाफट और भिन्न में लिखिए। 16 सही 2/3% 16 सही 2/3% लिखो इसको। कितना आ गया फटाफट करो यार, 1/6 है ना। देखिए कैसे करेंगे, 16 3 48 48 प्लस 2 50। अब जरा देखो 50/3 है, परसेंटेज भी है, परसेंटेज अगर हटाते हो तो नीचे कितना जाता है 100। अब देखो ऊपर 50 है नीचे 100 है, 50 एकम 50 और 50 दुनाई 100, तो 1/3 × 2 आ गया, 3 दुनाई कितना होता है 6, यानी 1/ कितना आ गया 6। मैथ का जीनियस जैसा फीलिंग आ रहा होगा यार, इतना आसान होता है मैथ। ठीक है क्वेश्चन लिखिए, 33 सही 2/3% 33 सही 2/3% करो फटाफट इसको भिन्न में करो, भिन्न में फटाफट करो। 33 सही 2/3% 33 सही 2/3% करो फटाफट। अरे नहीं आया क्या, देखो 33 का × 3 से करेंगे तो कितना आएगा 99 प्लस 2 कितना हो जाएगा 101, अब बटे में कितना 3, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना 0। अब सुनो ये 101 है लेकिन इसके बीच में 0 है तो मत काट देना ऐसे से, सर आपने 0 काटने को बताया था, ऐसे कर सकता है। और फाइनल हमारा आंसर 11/30 आ गया है ना, जो संख्या से पहले 0 होगा और जो बीच में 0 होगा वो नहीं कटेगा। क्लियर है कि कल को तुम ये सिद्धांत अलग से प्रतिपादन कर दो इसका। देखिए 100 कितना आया 101 ना, 101/3 अब परसेंटेज हटाया तो 2 जीरो और बढ़े, यानी इसका उत्तर क्या होगा 101/300। क्लियर है। अच्छा कभी कभी संख्या क्या ना, संख्या हमें इस प्रकार से मिल जाती है, ऐसी संख्या हमें मिल जाती है कि आपको बता दे थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने एक प्रश्न दे दिया कि 157 सही 3/5, अगर मैंने ये दे दिया 157 सही 3/5 और इसमें लगा दिया परसेंटेज, तो है तो वही प्रोसीजर लेकिन आपका समय लग जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि 30 सेकंड में कौन इसको करता है। मोबाइल का इस्तेमाल वर्जित है भैया, 57 है 157, 157 सही 3/5 157 सही 3/5 ठीक है 157 सही 3/5 ठीक है। करो फटाफट इसका भिन्न रूप में निकालो, 157/125 लगाओ फिर। देखिए इस प्रश्न को करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला वही है, 157 का गुणा किससे होगा 5 से, तो 157 का गुणा कहां से कर 5 से, 5 से 35 के 5 3 5 25 और कितना 28, 2 5 एकम 5 कितना 7, 785। अच्छा 785 में कितना प्लस करेंगे 3 तो कितना आ जाएगा
788 बटे में कितना है 5। अच्छा परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे, 0 आ जाएगा ना, आएगा ना समझ में। अच्छा एक चीज और देखिएगा, मैंने क्या बताया था कि अगर संख्या को अगर आप 4 से डायरेक्टली काट सकते हो तो काट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए 4 × 4 7 में 4 का कितना बचा 3, 3 जुड़ेगा 8 के साथ 7 × 9 = 36, 38 में से 36 का कितना बचा 2, और 2 जुड़ेगा 8 के साथ 28 बना देगा, तो 4 × 7 = 28, 4 × 25 = 100, तो 197 बटे में 5 × 125 यहाँ पे 25 है, कितना जाएगा 25। अब आप बताओ 197 25 से नहीं कटेगा ना, तो 5 से कटेगा, तो हम डायरेक्टली गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 197 बटे में 100 कितना 25। आया समझ में, ठीक है। चलिए यहाँ से ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है, और इसके बाद फिर से कल टाइम मिलेगा तो इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए आप लोगों के लिए दो फायदे हैं, ये लेक्चर जाएगा यूट्यूब में, यही लेक्चर जाएगा YouTube में, और 15 तारीख से जो बैच स्टार्ट होंगे उसमें भी हम सेकंड बैच में प्रतिशत ही स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों का हो जाएगा अच्छा खासा रिवीजन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट।